चलो इसको देखते हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि भाई अजंता और एलोरा में क्या डिफरेंस था, ये हमने मैं आपको समझा दिया था। अजंता और एलोरा में क्या है, अजंता में क्या बताया था मैंने, अजंता वर्सेस एलोरा। अगर आपको ये आ जाए तो क्या बताना है आपको, ये कैसा शेप का है, ये आपको क्रीसेंट शेप का देखने को मिलेगा, है ना। ये क्रीसेंट शेप का है, प्लस ये कैसा बना हुआ है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये क्लिफ साइड पर बना हुआ है। क्लिफ साइड पर बना है जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जो एक वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एक स्पेस देखने को मिलेगी, वो हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये किसमें बताया था मैंने आपको, ये बताया था मैंने अजंता में आपको देखने को मिलेगी कि नहीं देखने को मिलेगी, बताओ। कॉरिडोर आपको देखने को मिलता है कि नहीं, इसमें स्पेस जिसमें होगा उसमें कॉरिडोर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिफ पे बनाया है तो कॉरिडोर नहीं रहेंगे, यहाँ पर आपको कॉरिडोर देखने को मिलता है ना, यहाँ पे कॉरिडोर देखने को मिलता है, क्योंकि ये किस साइड बनाई है, स्लोप साइड में बनाई है, प्लस ये एंटायरली बुद्धिस्ट है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये कैसा है, ये मैंने आपको कैसा बताया था कि ये तीनों रिलीजन का देखने को मिलेगा, है ना, ये तीनों रिलीजन का है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में, कॉमन ये है कि तीनों में आर्ट आर्ट कॉमन है, कि भाई पेंटिंग भी है, आर्किटेक्चर भी है, स्कल्पचर भी है, देखने को मिलेगा, समझा गया ना। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। हाँ, यहाँ पर टू स्टोरी तक की देखने को मिलती है, यहाँ पर अपन को ट्रिपल ट्रिपल स्टोरी की भी देखने को मिलती है ना, है ना, यहाँ पे आपको ट्रिपल स्टोरी की भी देखने को मिलेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे केव नंबर 16 बहुत फेमस है, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है ना। यहाँ पर कॉरिडोर मिलेगा, मतलब कोर्टयार्ड देखने को मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहाँ पर आपको कॉरिडोर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कोर्टयार्ड नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, तो उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्लिफ साइड पे बनी हुई है इसलिए, ठीक है। अब उसका शेप मैंने आपको दिखाया था, शेप देखो, अगर मैं आपको बात करूं शेप की, तो यहाँ पे मैं आपको शेप दिखाता हूँ कैसा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो ये आपका एलोरा की केव है, ये एलोरा की केव है, वहीं पर मैंने अजंता की दिखाया था, तो कैसा था वो अजंता की केव, कैसा बताया था मैंने आपको, ऐसा कुछ क्रीसेंट शेप का नजर आ रहा था, है ना, ऐसा कुछ क्रीसेंट शेप का था वो, ठीक। ये कौन सा था, ये अजंता था, ठीक है ना। वहीं पर एलोरा देखो, एलोरा में ये कोई एक फिक्स शेप नहीं है, ये वाला जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, ये जैन के केव्स हैं, 30 से 4 34 तक, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एरिया काहे का दिख रहा है आपको, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ज्यादा हिंदू टेम्पल्स किसके हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं सबसे ज्यादा, ठीक है ना। केव नंबर 13 से लेके 29 नंबर, उसमें जो सबसे फेमस है जिसको हम बोलते हैं कैलाश नंबर, ये जो लिखा है केव नंबर 16, ठीक है ना, ये कैलाश नाथ टेम्पल है जो मैंने आपको दिखाया था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स भी बताई थी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि भाई उसके अलावा हमको बुद्धिस्ट केव भी देखने को मिलती है 1 से लेकर के 12, तो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हमको हिंदुइज्म की, फिर बुद्धिज्म की, फिर जैनिज्म का, और तीनों में ही हमको कौन कौन से आर्ट देखने को मिलते हैं, हमको केव आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ हमको केव की आर्किटेक्चर के बाद हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्कल्पचर देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ हमको पेंटिंग भी देखने को मिलती है ना, पेंटिंग देखने को मिलती, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस अगर आपसे पूछेगा तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अजंता में, एलोरा में, दोनों में डिफरेंस बना करके आप समझ जाना क्या है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, कि भाई अजंता एलोरा कितनी केव्स देख ली हम लोगों ने, ये अजंता एलोरा ये कहा है, कौन से समय की है, तो बनना तो 5 सेंचुरी के आसपास से चालू हुई थी, लेकिन 10 सेंचुरी लगभग 500 साल तक ये बनती गई है, और मेजोरिटी एंशियंट फेस की, क्या बताया था आपको मैंने, वो कौन सी होती है आपकी, वो थेरवाद या फिर हीनयान की होती है, ये वाली कौन सी है, ये वज्रयान या महायान फेस की ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, कहाँ पे थी ये, कौन सी पेंटिंग, अजंता देख लिया, एलोरा कहाँ है, औरंगाबाद बता दिया था मैंने, अजंता का भी बता दिया, दोनों देख लिया। अब देखते हैं एलिफेंटा केव्स कहाँ है, ठीक। एलिफेंटा केव्स भी मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में, मुंबई के पास ही एक एलिफेंटा जगह है, तो थोड़ा सा आपको बोट से जाना पड़ता है वहां पे, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। एलिफेंटा केव्स बहुत फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है तो अभी मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। बट अभी के लिए क्या याद रखना है कि भाई ओरिजिनली जब ये बनी थी ना ये केव्स, तो काहे से थी, ये बुद्धिस्ट साइट थी, ठीक है ना। जब ये ऐसा देखा गया है कि ये केव्स जब बन रही थी
तो ये बुद्धिस्ट साइट थी, लेकिन बाद में ये डोमिनेट करने लगी थी शैवाइट फेथ, मतलब भगवान शिव का यहाँ पर आपको ज्यादा टच देखने को मिलेगा, है ना। ये इनिशियली है, इनिशियली क्या देखने को मिल रहा है आपको, इनिशियली देखने को मिल रहा है कि भाई ये बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का बुद्धिज्म फेथ से रिलेटेड यहाँ पे स्कल्पचर और केव्स देखने को मिल रही थी। लेकिन लेटर फेस में क्या देखने को मिल रहा है, लेटर समय में हमको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये शैवाइट फेथ हो गया था यहाँ, है ना, शैवाइट फेथ यहाँ पे देखने को मिलता, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, याद रखना क्या, ओरिजिनली बुद्धिस्ट साइट था लेकिन लास्ट में शैवाइट फेथ हो गया, ठीक है ना। ये जो एलोरा के समय में जो केव आर्किटेक्चर जैसे बन रही थी, है ना, अजंता एलोरा जिस समय आपकी बन रही थी, उसी का कंटेम्प्रेरी समय में ये एलिफेंटा केव्स भी बन रही थी। मतलब जिस समय काल की आपकी एलोरा और अजंता केव्स हैं, अजंता थोड़ा पहले की है, एलोरा थोड़े बाद की है, तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि जिस जो टाइम पीरियड एलोरा केव का है वही टाइम पीरियड आपका किस समय का है, एलिफेंटा केव्स का भी, है ना। तो ये भी लगभग 5 सेंचुरी से लेकर के 11 सेंचुरी तक ये बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक 6 सेंचुरी की शिव टेम्पल है, ठीक है ना, कहाँ पर, एलिफेंटा केव्स में ही 6वीं शताब्दी की एक शिव टेम्पल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से उसको बहुत तरीके से उसको कार्व आउट किया गया है, वो आप कभी इसकी इमेज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्कल्पचर को आप देखोगे तो स्कल्पचर में आपको जो बॉडी के स्लेंडरनेस होती है वो क्लियर कट दिखेगी, समझ में आ गया। और उसमें अल्टरनेटिवली आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे लाइट एंड डार्क इफेक्ट जो हो सकते हैं वो दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए ये फेमस है, वो है ये त्रिमूर्ति। ये याद रख लेना, त्रिमूर्ति कहाँ मिलती है, ठीक है ना। एक बार मान लो एक पेंटिंग है फ्लाइंग अप्सरा, वो मैं आपसे पूछूं जब पेंटिंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वो आपको अजंता में बहुत फेमस है, उस पर एक क्वेश्चन भी आया था, है ना, अजंता पेंटिंग के ऊपर। तो कुछ यूनिक फीचर होते हैं वो वहीं पर जाए जाते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कैलाशनाथ काहे के लिए फेमस है तो एलोरा याद रखना है ना, वैसे आपको त्रिमूर्ति काहे के लिए फेमस है तो वो आपको याद रखना है, त्रिमूर्ति कहाँ मिल रही है तो वो हमको एलिफेंटा में ही मिल रही है ना, वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है ये एलिफेंटा की त्रिमूर्ति, बहुत फेमस है। लगभग 20 फीट की ये मूर्ति है, इसमें आपको भगवान शिव के 3 चेहरे देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया। जैसे भगवान शिव का एज अ अघोरी चेहरा देखने को मिलेगा, अर्धनारीश्वर देखने को मिलेगा, और भगवान शिव एज अ महायोगी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अघोरी किस चीज का रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो भगवान शिव का एग्रेसिव रूप है उसको वो दिखाने की कोशिश करता है, जहां पर भगवान शिव को एज अ डिस्ट्रक्टर या फिर एज अ एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है, उसको दिखाने की कोशिश की है काहे में अघोरी को दिखा करके। अर्धनारीश्वर क्या डिपिक्ट करता है, वो डिपिक्ट करता है कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, हाफ मैन हाफ वुमेन, है ना। वो क्या बताते हैं कि जो सेक्सेस होते हैं उनकी जो एसेंशियल यूनिटी होती है उसको वो पोर्ट्रेट करते हैं, इसीलिए भगवान शिव को हम लिंग ऐसा बोला जाता है कि उनको लिंगम की तरह बताया जाता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, लिंग मतलब होती है आइडेंटिटी, लिंग मतलब होती है आइडेंटिटी, जैसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलते हैं ना, तो आइडेंटिटी होती है, उसको हमने क्या कर दिया है, उसको लिंक कर दिया है। लिंग मतलब होता है जो आपका जो सेक्सुअल जो हमारे बॉडी के जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं उससे आप उसको लिंक करने लगे हो, समझ में आ गया, जो कि एकदम करप्ट कर दिया गया है, जिसका मतलब पहले कुछ और था बाद में उसको करप्ट कर दिया है। ये ब्रिटिश के आने के बाद इस लिंग का मतलब वो जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट है उससे रिलेट करने लगे, जबकि ये ऐसा कुछ भी नहीं था। लिंग का मतलब होता था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी कैसी, वो आइडेंटिटी जो कि आपको बताती थी कि जैसे कि आज हम बोलते हैं स्त्रीलिंग क्या है पुल्लिंग क्या है, तो मतलब आइडेंटिटी है उसका, मतलब सेक्स से कुछ लेना देना नहीं, सेक्स के अलावा बहुत चीजें होती है उसका, मैस्कुलिनिटी बिहेवियर, है ना, उसका जो तरीका होता है रहने का समाज में एग्जिस्ट करने का, उसके आधार पर हम लिंग को डिटरमाइन करते थे। लेकिन आज हम उसको सिर्फ सेक्सुअल पार्ट से सेक्स पार्ट से ही डील करते हैं, जो कि पूरा गलत है, पूरा ही करप्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ क्या, यहाँ पर ये जो अर्धनारीश्वर का ये जो अर्धनारीश्वर को दिखाया गया उसमें वो दोनों मेल और फीमेल के बीच में यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ यहाँ पर ऐसा लिख दिया। देखो ये बुक्स में कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना, एसेंशियल यूनिटी ऑफ सेक्स, मतलब इसको हम जो पढ़ेंगे वो वही सेक्सुअल पार्ट से ही समझेंगे, बट ये सेक्स का मतलब ये ब्रॉड सेंस में बोल रहा है, समझ में आ गया। मेल और फीमेल का इनर जो अमलगमेशन होगा, समझ में आ गया, जो उनका सोल अमलगमेशन होगा, प्योरिटी का अमलगमेशन होगा, उस चीज का ये यूनिटी को सिग्निफाई करता है,
समझ में, बट यहाँ पे ज्यादा क्लियरिटी नहीं रहती, इसलिए हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करने लगे, समझ में क्या। और जो महायोगी पोस्चर है उनका, वो क्या सिंबलाइज करता है, वो मेडिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब भगवान का जो मेडिटेटिव एस्पेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लेना। अदर स्कल्पचर्स क्या है, जैसे शिवा का कॉस्मिक डांस है एक, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, शिवा का कॉस्मिक डांस है उसको भी दिखाया जा रहा है, समझ में गया ना। तो ये जो कॉस्मिक डांस है जिसमें क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, ठीक है ना, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को दिखाया जा रहा है भगवान शिव के डांस के थ्रू, समझ में गया। तो और इसके अलावा कुछ स्कल्पचर है जहां पर उनकी पार्वती से जो शादी होती है उससे रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उनको स्कल्पचर के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। तो ये इसलिए यहाँ पर स्कल्पचर के लिए बहुत फेमस है, त्रिमूर्ति बहुत फेमस है, आप ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ त्रिमूर्ति एलोरा की, ठीक है ना, त्रिमूर्ति एलोरा की दिखा देता हूँ मैं, ठीक है ना। त्रिमूर्ति एलोरा स्कल्पचर, ठीक है, ये आप देख लो, ठीक है, ये है वो मूर्ति जिसकी हम बात कर रहे थे, ये त्रिमूर्ति है, ठीक, ये एलोरा में, ठीक है, ये आपका, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो भगवान शिव को दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, ट्रिनिटी ऑफ एलिफेंटा, देयर इज लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर, यहाँ पे ब्रह्मा है, विष्णु है, प्रिजर्वर है, ये सब यहाँ पे दिया है, देखो ये सारी चीजें दी हुई है। आप स्कल्पचर देखो कितना वो तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। मेन स्कल्पचर जो आपको दिखाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, त्रिमूर्ति, ये है वो त्रिमूर्ति, ठीक है ना, जिसके लिए ये जानी जाती है। ये देखो त्रिमूर्ति है, यहाँ पर तीन रूप भगवान के दिखाए गए हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अर्धनारीश्वर कैसा होते हैं ये देख लो आप, अर्धनारीश्वर स्कल्पचर, एलिफेंटा, ठीक है। अभी साइड से साइड व्यू नहीं दिख रहा है इसमें, तो आप नहीं समझ पाओगे इसको, ठीक है। बाकी ये जो एलिफेंटा का ये त्रिमूर्ति है वो आप देख लो कैसा दिखता है, ये इतनी बड़ी है, 20 फीट की मूर्ति है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, लगभग 20 फीट की ये मूर्ति है, ये आपका ये है, ठीक है। तो ये आपको 20 फुट की मूर्ति है, और आसपास भी आप देख लो, ये आपको देखा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं ना, एलिफेंटा स्कल्पचर, यहाँ पे आपको कई सारी स्कल्पचर देखने को मिल जाएंगी, ये डांसिंग करते हुए भी लिखा हुआ है, आप एक बार देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, समझ में आ गया ना। तो ये बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, आप देख सकते हो इतने सारे स्कल्पचर हैं यहाँ पे, ठीक है। एलिफेंटा केव, ठीक, जिसके लिए फेमस है, आपसे यही क्वेश्चन आएगा सीधा कि भाई ये आपका त्रिमूर्ति है इतने फिट की है, कहाँ पर लोकेटेड है, कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे लोकेटेड है, इसका ये फीचर है, 20 फीट की वो मूर्ति है, ये लोग इतने छोटे छोटे लोग दिखते हैं, ऐसे करके केव बनाए, स्कल्पचर देखो कितने बड़े बड़े हैं, समझ में आ गया ना। तो आपको दिख जाएंगे, ये देखो कितना बड़ा स्कल्पचर है, ठीक है ना, तो मतलब लाइफ साइज से भी बड़ा बनाते थे, और ये है जो जिसके लिए ये फेमस, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने वो भी आपको दिखाई दिया है। एलिफेंटा का, एलिफेंटा में याद रखो त्रिमूर्ति, और वो जो भगवान शिव को डांस करते हुए दिखाया गया है वो वाला, ठीक है ना, वो देख लेना आप, ठीक। और उसके ये जैसे ये इमेज, ठीक है ना, यहाँ पे भगवान शिव को डांस करते हुए दिखाया गया, ठीक है ना। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, जो आपका कैलाश नाथ टेम्पल है वो कहाँ है, वो एलोरा में। तो बेसिक फंडा है जो है वो किस चीज के लिए फेमस है वो याद रख लेना, ठीक है ना। ये काहे के लिए है, यहाँ पे जैन के नहीं देखने को मिलते, इनिशियली काहे का था, ये इनिशियली था बुद्धिज्म, बाद में डोमिनेट करने लगा शैवाइट में, एलोरा में तीनों, अजंता में एलोन बुद्धिज्म, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये अपन ने क्या देखा, यहाँ पर जो केव है, जितनी भी अजंता, एलोरा, एलिफेंटा जो भी हमको देखनी थी वो हमने देख लिए, ठीक है। मैं एक बार और देख लेता हूँ, और कोई सी भी अगर आपको दिखानी हो तो, ठीक है।
कनेरी बता दिया मैंने आपको, पांडोलेनी बता दिया मैंने आपको, अजंता बता दिया मैंने आपको, ठीक। उसके अलावा मैंने आपको फ्रेस्को पेंटिंग, एलोरा, एलोरा के बारे में भी बता ही दिया है, ठीक है, एलिफेंटा के बारे में भी बता दिया है, ये है वो त्रिमूर्ति, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो आपका यहाँ पर आपका था वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कि भाई इस वाले रीजन में जो चीजें होनी चाहिए, केव आर्किटेक्चर में जो वेस्टर्न पार्ट का है वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ठीक है।